बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर बिहेवियर किसे कहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए पहले। व्हाट इज बिहेवियर? एक्टिविटीज एन एनिमल परफॉर्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड एनिमल बिहेवियर। यानी कि अगर कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी एनिमल कोई भी काम करे, चाहे वो खा रहा हो, चाहे वो पी रहा हो, चाहे वो चल रहा हो, चाहे वो रिप्रोड्यूस कर रहा हो, यानी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम कर रहा है, हम कहेंगे कि ये उसका बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल, कोई गाय जो है, कोई जो गाय है वो जैसे कि वो चारा चर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, तो हम कहेंगे ये जो है उसका बिहेवियर है। यानी बिहेवियर हम कहते हैं कोई भी जो एनिमल है जो भी एक्टिविटी करता है, हम कहते हैं कि ये एक्टिविटी जो है उसका बिहेवियर। अब एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो सकता है? कोई एनिमल लोकोमोशन चल फिर रहा होता है, कोई एनिमल फीडिंग खा पी रहा होता है, कोई ब्रीडिंग मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई कैप्चर ऑफ प्रे मतलब कोई अपने शिकार को पकड़ रहा होता है, कोई अपने प्रेडेटर से बच रहा होता है, यानी अवॉइडेंस ऑफ प्रेडेटर का मतलब कोई प्रेडेटर अगर किसी के पीछे शेर लगा हुआ, शेर प्रेडेटर है, अब अगर कोई हिरन जो है वो शेर से बच रहा है तो हम कहेंगे अवॉइडेंस ऑफ प्रेडेटर, वो प्रेडेटर से बच रहा है। सोशल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी स्पीशी के मेंबर के साथ लेन देन कर रहा है, तो ये क्या उसका बिहेवियर। यानी ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ कोई भी एनिमल परफॉर्म करता है, हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को कहते हैं कि ये उसका बिहेवियर है। अब जो इसके बाद जो है, अगर हम बिहेवियर में मज़ीद बात करें तो यानी आपके जो फोर अप्रोचेस टू एनिमल बिहेवियर, यानी एनिमल इसके बिहेवियर को समझने के लिए कुछ कह लें कि मेजर कुछ ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर कुछ ब्रांचेज हैं जिनके अंदर एनिमल बिहेवियर मज़ीद जो है वो डिटेल से समझा जाता है। पहली जो अप्रोच है या जो पहली ब्रांच है वो कंपैरेटिव बिहेवियर। कंपैरेटिव, देखें वर्ड कंपैरेटिव का मतलब था कंपेयर करना, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं बिहेवियर, यानी इसमें हम एनिमल्स के जो बिहेवियर होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करके बिहेवियर देखते हैं। अगर हम इसमें पहली लाइन देखें, एनिमल बिहेवियर बेस्ड ऑन जेनेटिक न्यूरल और हार्मोनल बेसिस, यानी हमने कंपैरेटिव बिहेवियर के अंदर स्टडी किस किस चीज़ को करना है, हमने स्टडी करना है एनिमल बिहेवियर को, लेकिन हमने एनिमल बिहेवियर को वो किस बेस पर स्टडी करना है, उनके जीन्स की बेस पर। क्या जीन्स का क्या रोल है बिहेवियर के अंदर, न्यूरल मतलब न्यूरॉन्स का क्या रोल है या नर्वस सिस्टम का बिहेवियर के अंदर क्या रोल है, एंड हार्मोनल बेसिस का मतलब क्या हमारे हार्मोन्स भी बिहेवियर के अंदर रोल प्ले करते हैं या नहीं करते, मतलब इन चीज़ों की बेस पर जो है हमने जीन्स की बेस पर, न्यूरल यानी न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम की बेस पर, हार्मोनल मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे अंदर होता है उनकी बेस पर हमने देखना है कि ये चीज़ें क्या बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं या फिर नहीं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन लेबॉरेटरी एंड फील्ड, यानी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं बिहेवियर, जब कंपैरेटिव बिहेवियर की स्टडी कर रहे होते हैं तो फिर एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं लेबॉरेटरी के अंदर भी, एंड फील्ड का मतलब ये होता है कि ओपन नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स की, फील्ड मतलब कुछ जंगल हो सकता है। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड एनिमल लर्निंग, इसके अलावा हम कंपैरेटिव बिहेवियर के अंदर और चीज़, हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जब हम तजर्बात कर लेते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ समझ आती है, हम एनिमल लर्निंग सीखते हैं। कि एनिमल लर्निंग का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर का मतलब ये होता है कि बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, पैदा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर देख रहे होते हैं उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है या उसके बिहेवियर के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, या हम ये भी देखते हैं कि बिहेवियर वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ एनिमल्स के अंदर बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है। यानी ये तमाम चीज़ें हमने किस में डिस्कस करनी है, कंपैरेटिव बिहेवियर के अंदर। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट स्टडीज़, साइकोलॉजिस्ट मतलब जो साइकोलॉजी की स्टडी करता है, साइकोलॉजिस्ट स्टडीज़ क्या स्टडी करते हैं, हाउ एनिमल्स रिसीव इंफॉर्मेशन, कि एनिमल्स जो हैं, यानी इस ब्रांच के अंदर और क्या पढ़ना है कि एनिमल्स किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इंसान इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे रिसीव कर सकता है, इंसान इंफॉर्मेशन को अपनी आइज के जरिए रिसीव करता है, इंसान इंफॉर्मेशन को अपने कानों के जरिए रिसीव करता है, इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने टेस्ट बड के जरिए जो है रिसीव कर रहा होता है, तो इसी तरह एनिमल्स जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करते हैं, ये भी इसी में स्टडी करना है। इसके अलावा और क्या इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट और क्या क्या स्टडी करेंगे,
बिहेवियर पैटर्न्स के हर एक एनिमल के अंदर जो बिहेवियर का पैटर्न क्या तरीका करके है, बिहेवियर एक एनिमल का दूसरे से कैसे डिफरेंट है। एंड रिस्पॉन्सिस का मतलब ये होता है कि एनिमल किसी एनिमल के अगर इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आता है तो एनिमल अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है उस चेंज के खिलाफ क्या करेगा, यानी उस चेंज को कैसे अपोज करेगा। तो एनिमल का अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज होता है उसके खिलाफ को काम करना उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्सिस का भी जो रिस्पॉन्सिस की भी जो स्टडी है वो कंपैरेटिव, यानी हमने कंपैरेटिव बिहेवियर जो मैंने आपको रेड कलर से जो मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं ये तमाम टर्म ये सब मैंने हाईलाइट मैंने आपके लिए कर दिया है कि हमने इस ब्रांच के अंदर हमने ये तमाम टर्म्स को देखना होता है, हमने ये तमाम चीज़ें स्टडी करनी है। दूसरी जो अप्रोच है ये फोर अप्रोचेस थी जिसमें से एक अप्रोच हमने पढ़ लिया कि बिहेवियर को समझने के लिए हमें कंपैरेटिव बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है या जो दूसरी अप्रोच है वो है इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है एक ब्रांच भी है जूलॉजी की, बायोलॉजी की भी ब्रांच है ये। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इसके अंदर भी हमने एनिमल बिहेवियर ही को पढ़ना है लेकिन यहाँ पर बेस कुछ और है। जैसे कंपैरेटिव जो है जो हमने अभी अभी पढ़ी कंपैरेटिव साइकोलॉजी या कंपैरेटिव बिहेवियर जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने बेसिस और पढ़ी है, बेस जेनेटिक्स की बेस पढ़ी है, हमने नर्वस सिस्टम की बेस पर बिहेवियर पढ़ा है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम की बेस पर पढ़ा है। लेकिन हम इथोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे लेकिन किस बेस पर स्टडी करना है, दो चीज़ों की बेस पर, एवोल्यूशन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी हमने इथोलॉजी में भी बिहेवियर स्टडी करना है लेकिन हमने कौन सी बेस पर बिहेवियर स्टडी करना है, हमने एवोल्यूशन की बेस पर, और जो एनिमल जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है हमने उस इन्वायरमेंट की बेस पर हमने बिहेवियर को स्टडी करना है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का जिक्र है, के लॉरेंस और एन टिम्बरगन एंड के वॉन फ्रिश, इन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इथोलॉजी के अंदर रोल प्ले किया है एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करने में। इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज भी मिला है और 1973 के अंदर कौन कौन सी ब्रांच के अंदर मिला है, फिजियोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, बट इन्होंने इथोलॉजी के अंदर भी रोल प्ले किया है एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करने में। इसके अलावा ऑब्जर्व बिहेवियर इन नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि मैंने बात की है इथोलॉजी के अंदर हमने बिहेवियर को स्टडी ही दो बेसिस पर करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट की बेस पर और एवोल्यूशन की बुनियाद पर। इसीलिए इथोलॉजी के अंदर हमने बिहेवियर पढ़ना है एनिमल्स का उनके नेचुरल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल शेर का नेचुरल इन्वायरमेंट जंगल है उसका, तो हमने शेर का बिहेवियर जंगल के अंदर देखना है। यानी किसी भी एनिमल का जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है हम उसे हैबिटेट भी कहते होते हैं, तो इसमें हमने हैबिटेट का भी फिर स्टडी कर लेना। इसके अलावा इसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है, स्टडी बिहेवियर ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का मतलब ये है कि जो स्पीशीज आपस में ज्यादा रिलेट करती हैं, फॉर एग्जांपल इंसान ज्यादा क्लोजली रिलेटेड किससे है, इंसान जो है वो मंकी से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हो सकता है या जो है गोरिल्ला से क्लोजली रिलेटेड हो सकता है। तो हम इंसान और गोरिल्ला या मंकी के दरमियान जो सेम बिहेवियर है उसको पढ़ेंगे कि इनके दरमियान कॉमन बिहेवियर कौन सा। इसके अलावा हमने इस ब्रांच में क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन अबाउट एवोल्यूशन, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की है कि हमने बिहेवियर को स्टडी करना है और उसकी एवोल्यूशन भी देखनी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एनिमल्स के बिहेवियर में क्या क्या चेंज आया है। एंड ओरिजिन ऑफ बिहेवियर पैटर्न, ओरिजिन ऑफ बिहेवियर पैटर्न का मतलब यह है कि मुख्तलिफ आज हम देखते हैं कि किसी भी एनिमल के अंदर हजारों तरह के बिहेवियर हैं, तो वो जो बिहेवियर उसके अंदर आए हैं वो किस पैटर्न से आए हैं, कैसे कैसे वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें चेंज आया है। इसके अलावा हमने इसमें स्टडी और इंटरेस्ट, स्टडी को आगे मैंने ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यानी इस ब्रांच के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को मजीद स्टडी करना है, कम्युनिकेशन की बात करनी है, कम्युनिकेशन मतलब एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक कैसे जाती है, मेटिंग बिहेवियर एनिमल्स के, मेटिंग बिहेवियर यानी मेल और फीमेल जो एनिमल्स होते हैं वो सेम स्पीशीज के कैसे मेट कर रहे हैं, किस उनके अंदर बिहेवियर क्या है मेट करने का। एंड सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर आमतौर पर आपको जो हनीबीज मिलती हैं उनके अंदर मिल रहा होता है कि कुछ हनीबीज जो हैं वो छत्ते की सफाई कर रही होती हैं, कुछ फूड लेने के लिए जा रही होती हैं, कुछ जो हैं वो शहद के छत्ते के अंदर रहती हैं, कुछ जो हैं वो यानी छत्ते को हवा दे रही होती हैं, उसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, यानी उनके अंदर ये इसको बोलते हैं सोशल बिहेवियर। तो हमने ये भी इथोलॉजी के ही अंदर स्टडी करना है। उसके बाद अगली जो अप्रोच है वो है जी हमारे पास तीसरी जो अप्रोच है वो है बिहेवियरल इकोलॉजी। बिहेवियरल इकोलॉजी में भी हमने एनिमल्स के बिहेवियर को ही स्टडी करना है,
क्योंकि हम देख रहे हैं, हम एनिमल बिहेवियर चैप्टर का नाम है तो हम एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करने के, लेकिन यहाँ पर किस बेस पर बिहेवियर को स्टडी करना है जी? इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है? इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेडेशन, प्रेडेशन मीन प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो होता है, कोई मसलन फॉर एग्जाम्पल लॉइन जो है या टाइगर जो है वो डियर को हिरन को पकड़ रहा है, तो वो जो टाइगर है वो प्रेडेटर है, हिरन क्या है प्रे, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम नाम देते हैं प्रेडेशन। इसको यानी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेडेशन हो सकता है, फोरेजिंग स्ट्रेटजीज का मतलब ये होता है कि एनिमल्स अपनी फूड को तलाश करने के लिए कैसे कैसे जो है ना वो फूड को तलाश करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल दूँ, शेर जो है, शेर अपना शिकार के पीछे भागता है, ये उसकी फोरेजिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन जो चीता है या जो टाइगर है वो छुप जाता है, और जैसे उसका शिकार करीब आता है वो उस पर झपट पड़ता है, तो उसकी स्ट्रेटजी और है खाने पीने की। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी हर एनिमल का अपने, जो फीमेल अगर मेल फीमेल से जो मेट कर रहा होता है उसकी एक अलहदा स्ट्रेटजी होती है मिलने की। हैबिटेट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि एनिमल्स अलहदा अपने यानी हैबिटेट कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पर कोई एनिमल रह रहा है, तो हर एक एनिमल अपना जो जहाँ पर किसी एनिमल ने रहना होता है उस इन्वायरमेंट को कैसे चूज करता है, उसको कौन सी जगह पसंद आती है रहने के लिए या कौन से टेम्परेचर के अंदर वो रह रहा होता है, उसे बोलते हैं हैबिटेट। यानी वो अपना हैबिटेट सेलेक्ट कैसे करेंगे। कंपटीशन यानी एनिमल्स के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसको भी स्टडी करना है हमने बिहेवियर इकोलॉजी के अंदर। कंपटीशन दो तरह का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जो विद इन स्पीशीज होता है, एक ही स्पीशी के मेंबर के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और कंपटीशन किस किस लिए हो सकता है? कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है, कंपटीशन मेट के लिए हो सकता है, कंपटीशन शेल्टर के लिए हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होता है। उसके अलावा हमने बिहेवियरल इकोलॉजी के अंदर सोशल बिहेवियर को भी स्टडी करना है। सोशल बिहेवियर मतलब एनिमल दूसरे एनिमल्स के साथ, दूसरी स्पीशीज के साथ वो कैसे पेश आ रहे हैं। उसके बाद है जी जो फोर्थ अप्रोच है वो है सोशियो बायोलॉजी। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें स्टडी करनी है। इसके अंदर भी हमने एनिमल्स का बिहेवियर ही स्टडी करना है, लेकिन इसमें हमने बिहेवियर की बेस क्या रखनी है? सोशल बिहेवियर की, यानी एवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर। इसमें हम के एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स के साथ जो पेश आना है वो हो गया सोशल बिहेवियर। ये बिहेवियर कैसे इवॉल्व हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ इस बिहेवियर में क्या चेंजेस आई हैं, एवोल्यूशन के बेस पे देखना है। इसके अलावा हमने इसमें और क्या, सोशल बिहेवियर के अंदर हम इथोलॉजी की भी स्टडी कर लेंगे और बिहेवियरल दोनों ब्रांचेस की हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर ने चीज़ों को कैसे सिलेक्ट किया है, एवोल्यूशन के अंदर ही ये बात, नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशन वाले कंसेप्ट है कि ये आपने पिछले जो सेमेस्टर है या बीएससी पार्ट वन ने भी जो है वो अपने पेपर ए के अंदर पढ़ा हुआ है, और बीएस ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है ये पढ़ा हुआ है नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो नेचुरल सिलेक्शन को भी हमने सोशियो बायोलॉजी के अंदर फोर्थ अप्रोच के अंदर, ये फोर्थ अप्रोच है, इसके अंदर स्टडी करना है। इसके साथ ये हमारी अप्रोचेस जो हैं ये ख़त्म हुई। अब जो है इससे अगला जो हमारे पास है वो है प्रॉक्सीमेट एंड अल्टीमेट काजेस। स्टूडेंट्स प्रॉक्सीमेट एंड अल्टीमेट जो काजेस होते हैं इसके अंडर जो है हम देखते हैं वाई एनिमल्स डू डिफरेंट थिंग्स। एनिमल्स जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें क्यों कर रहे होते हैं। कोई एनिमल जो है एक एनिमल दूसरे से मुख्तलिफ बिहेवियर शो कर रहा होता है, एक एनिमल जो है वो फूड तलाश कर रहा है, एक एनिमल जो है वो दूसरे के साथ लड़ रहा है मेट करने के लिए। यानी एनिमल्स ये जो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ बिहेवियर शो करते हैं, ये क्यों करते हैं? तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, देयर कैन बी टू कॉज, दो वजूहत हो सकती हैं। एक जो बड़ी वजूहत हैं, जो पहली जो बड़ी रीज़न है वो है प्रॉक्सीमेट काजेस। अप्रॉक्सीमेट काजेज को हम देखते हैं ये क्या होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट काजेज वो काजेज हैं जो इमीजिएट होते हैं, बड़ी जल्दी से मतलब इमीजिएट काजेज होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? इकोलॉजिकल बिहेवियर भी आ सकता है एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर भी आ सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ईटिंग टू सेटिस्फाई हंगर। देखिए एनिमल्स जो हैं अगर भूख लगेगी एनिमल को तो एनिमल दूसरे को खा लेगा, वो सोचेगा नहीं। एनिमल कोई भी जो उसकी फूड है वो उसको खाएगा। अब वो अपनी फूड को सोचे समझे बगैर खा रहा है, फौरन खा रहा है, उसको जब भूख लगनी उसने खा लेना है और डेली ये काम करना है। तो ये जो काजेज होते हैं जिसमें कोई भी जो एनिमल है वो इमीजिएट रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे किसी एनिमल को फूड दिखती है वो फौरन अपनी फूड को पकड़ लेता है।
जैसे भी पकड़े वो अपनी फूड को पकड़ने के लिए कोई कह लें कि कोई भी अपना आप बिहेवियर कुछ स्पेशल किस्म का बिहेवियर शो करते हैं पर कुछ एनिमल, लेकिन यहाँ पर अगर किसी एनिमल को फूड दिख ले वो इमीडिएट उसको पकड़ेगा। यह है प्रॉक्सी, यानी प्रॉक्सीमेट काजेज के अंदर इमीडिएट वर्क होता है। अगला जो काज है हमारे पास वो है अल्टीमेट काज। अल्टीमेट काज होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो वक्त एवोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है, अकर जोन एवोल्यूशनरी टाइम स्केल अकर जोन है, यानी जो अल्टीमेट काज है ये कह लें कि आप किसी भी एनिमल्स की जीन्स के अंदर चीज शामिल होती है कुछ ने ऐसा करना है। मिसाल के तौर पर जो है मोर जो है मेल जो पीकॉक है मोर है वो जब अपने परों को फैलाता है बड़े खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। अब वो जो अपने परों को फैला रहा है, परों को फैलाना और परों की जो खूबसूरती है ये खूबसूरती उसके जीन्स के अंदर शामिल थी, ठीक है। एवोल्यूशन वक्त गुजरने के साथ साथ एवोल्यूशन हुई उसके अंदर और उसके पर खूबसूरत हो गए और ये उसका बिहेवियर है कि वो परों को फैलाएगा और फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी डिस्प्ले अट्रैक्ट अ मेट, कि वो जब अपना आप डिस्प्ले करता है तो वो एक्चुअली अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है। ये चीज़ उसके जीन्स के अंदर शामिल है, ये भी तो एक वजह है, ये एक बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर के पीछे जो चीज़ है वो उसके जीन्स हैं, एवोल्यूशन हुई है उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ, और ये जो वजह है ऐसी वजूहात को जो कि जीन्स के अंदर शामिल होती हैं और जो जीन बिहेवियर जीन्स पर डिपेंड कर रहा होता है ऐसी वजूहात को हम नाम देते हैं अल्टीमेट काजेस। जो प्रॉक्सीमेट काजेस हैं वो जीन्स के अंदर वो कोई भी चीज़ दिखी खा ली। मिसाल के तौर पर इंसान जो है, इंसान आज कोई नई फूड आ जाती है, बर्गर आ जाते हैं, अब आप बर्गर को खाते हैं, बर्गर को आप जो खा रहे हैं ये आपके जीन्स के अंदर तो शामिल ही था, आप 50 साल पहले चले जाए ये चीज़ नहीं थी। तो ये जो आप खा रहे हैं बर्गर को खा रहे हैं ये भी आपका एक बिहेवियर है, लेकिन ये बिहेवियर जो है ये प्रॉक्सीमेट बिहेवियर है जो हमारे जीन्स के अंदर शामिल नहीं था। लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं या हम जो मुख्तलिफ जो चीज़ें खा रहे हैं, जो कह लें कि हमारा कोई भी बिहेवियर जो है उस बिहेवियर को हम नाम देंगे जो जीन्स के अंदर शामिल है हम नाम देंगे अल्टीमेट काजेस। उसके बाद हमारे पास अगली जो डेफिनेशन है वो है एंथ्रोपोमार्फिज्म। एंथ्रोपोमार्फिज्म के अंदर देखें तो ये दो वर्ड्स हैं, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। डेफिनेशन हम देखते हैं, एंथ्रोपोमार्फिज्म जो है ये स्टडी है किस चीज की, एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, इंसान की खसूसियात को हमने देखना है टू एनीथिंग, इंसान की खसूसियात किसी के भी साथ हम देखेंगे, इंसान के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी जो चीज़ है, इंसान अपने इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी चीज़ के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उनके साथ वो बिहेवियर कैसा शो कर रहा है किसी भी एनिमल के किसी भी प्लांट के साथ, हम कहेंगे कि ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं टू एनीथिंग किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन हमने बट नॉट ह्यूमन इंसान के साथ, फॉर एग्जाम्पल इंसान इंसान को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है हमने ये नहीं देखना, ह्यूमन की हमने अदर जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन देखना है बट ह्यूमन के साथ इसमें स्टडी नहीं करना। उसके बाद है जी, इसमें ह्यूमन फीलिंग्स कैन नॉट बी असाइंड टू एनिमल बिहेवियर, इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं इसमें हमने इस एनिमल बिहेवियर के अंदर एंथ्रोपोमार्फिज्म के अंदर इंसान की फीलिंग्स को हमने असाइन नहीं करना, इसको नहीं पढ़ना। एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट गिव ह्यूमन बिहेवियर। देखें ये जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स इंसान की हैं, ये जो फीलिंग वाला बिहेवियर है ना, हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है कुछ चीज़ बुरी लगती है, ये जो फीलिंग वाला बिहेवियर है ये ह्यूमन का है, इसलिए हमने ह्यूमन की स्टडी नहीं करनी, ह्यूमन की ह्यूमन से स्टडी नहीं करनी, ह्यूमन का बिहेवियर दूसरे एनिमल्स के साथ स्टडी करना। फीलिंग्स का बिहेवियर जो है, बिहेवियर जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि फीलिंग जो चीज़ है वो सिर्फ इंसानों के अंदर है या कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर है, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये फीलिंग वाला बिहेवियर नहीं है, यानी ह्यूमन बिहेवियर मौजूद उनके अंदर नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म को अगर हम जब मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं ना, जब मछलियाँ जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं तो उनको पता होता है कि मछली पकड़ने के लिए एक हुक होती है लोहे की, उस हुक पर जो है वो अर्थवर्म को कैंचवा या पंजाबी में गडोया कहते हैं वो लगाते हैं हुक पर, अब उसको फिर हुक पर लगा के अर्थवर्म को पानी में फेंकते हैं, जैसे ही वो हम हुक पानी में फेंकते हैं उस पर, क्योंकि अर्थवर्म होता है फिश उसे खाने के लिए आती है, फिश उस हुक को जैसे खाती है अर्थवर्म को खाने के लिए जैसे उस हुक को मुंह में डालती है तो फिश के माउथ में वो हुक फंस जाती है और फिश पकड़ी जाती है।
जहां पर हम समझेंगे अर्थवर्म को, कि अर्थवर्म को जब हम उस हुक पर लगाते हैं, अर्थवर्म का हमें तो फिर इस हवाले से हम दो तरह की एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन है एंथ्रोपोमार्फिक एक्सप्लेनेशन। अगर हम इंसान के हवाले से देखें तो इंसान को ऐसे लगता है कि जब हम अर्थवर्म को हुक पर लगाते हैं तो अर्थवर्म को दर्द होता होगा। जैसे ही लोहे की हुक पर अर्थवर्म को लगा रहे होते हैं अर्थवर्म को दर्द होगा, इंसान की तो फीलिंग ये है, लेकिन एक्चुअल सेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। ये तो हो, अगर हम दर्द वाली फीलिंग का जिक्र करें तो ये होगी, ये कौन सी एक्सप्लेनेशन होगी? एंथ्रोपोमार्फिक एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करें, अगर हम फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करें, फिजियोलॉजिकल मीन कि अगर हम फिजियोलॉजी बोलते हैं फंक्शंस की स्टडी को हम बोलते हैं, तो फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के तहत क्या है? रिड्यूस एंथ्रोपोमार्फिक इंटरप्रिटेशन। जब हम फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हम फिर एंथ्रोपोमार्फिक यानी इंसानी फीलिंग्स को ऐड नहीं करते फिर। अब क्या है, अगर हम फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू वही बात करें तो इसमें क्या होगा? कहते हैं जब हम फिश को, सॉरी हुकवर्म को अर्थवर्म की बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, या अर्थवर्म को हुक पर लोहे की हुक पर लगाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो अर्थवर्म होता है उसके रिसेप्टर जब उसकी बॉडी के अंदर हुक जाती इंटर होती है तो उसके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसकी स्किन के अंदर, जो अर्थवर्म। और जब वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को भेजेंगे नर्व, रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन भेजेंगे नर्व इम्पल्स की सूरत में, नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और रिसेप्टर्स उस इंफॉर्मेशन को उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ या जो उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी तरफ भेजेंगे, और फिर जो है वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन शो होगा उसकी बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना, जो उसके गैंग्लियन है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकलेगी और वो कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन, आपने FSC के अंदर भी पढ़ा होगा, 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा कि जब हमारा किसी भी गर्म चीज़ पर हाथ लग जाता है तो हम सोचे बगैर अपना हाथ खींच लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मीन वो एक्शन होता है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। अर्थवर्म के भी जब अर्थवर्म के अंदर भी जब उसकी बॉडी के अंदर हुक गई, हुक के जाने से उसकी ऑटोमेटिकली जो बॉडी है वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन पैदा होगा, अर्थवर्म के मसल्स ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट होंगे, जब वो कंट्रैक्ट होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो हुक से निकल जाए। ये फिनोमिना है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। लेकिन हमें ऐसे लग रहा होता है कि उसे दर्द हो रही है, ठीक है, हमें ऐसे लग रहा होता है कि उसे दर्द हो रही है, लेकिन फिजियोलॉजी कहती है नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं है, एक्चुअली वो उसके मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो हम कहते हैं हम फील करते हैं, क्योंकि हम जब फील करें तो हम कहेंगे ये एंथ्रोपोमार्फिक एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर आप एक्चुअल सेंस में फंक्शन, उसकी बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करें तो ये जो एक्सप्लेनेशन होगी ये होगी फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ ये जो है आपका ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। एक्सक्यूज मी।